नेक्स्ट सेशन में आज हम ग्रेडियंट टूल का यूज करना सीखेंगे। ग्रेडियंट टूल का सिंपल इस्तेमाल मिलेगा शॉर्टकट की कीबोर्ड से सिर्फ की प्रेस करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है उसको आप फर्दर चेंज करके नया कलर क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेडियंट का जो इस्तेमाल होता है एक से ज्यादा कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज जो है बैकग्राउंड पे कर सकते हैं। जैसे ये हमारा फोटो है, इस फोटो पे हमने सिंपल से एक बैकग्राउंड क्रिएट है बट हमें इसमें एक ग्रेडियंट के जरिए एक बैकग्राउंड अप्लाई करना है। ग्रेडियंट के लिए बेसिकली इसमें टूल्स होते हैं, इस तरह का टूल्स मिलेगा, क्लिक करके चेक कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट टूल्स होते हैं प्रीडिफाइंड, कुछ गैलरी में स्टोर है बने हुए ही ग्रेडियंट मॉडल। इसी एक ग्रेडियंट को हम सिलेक्ट करके इसको फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे इसको कलर बॉर्डर कहते हैं, बॉर्डर यहाँ से क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीन कर लिया, यहाँ पे भी ग्रीन करना है, क्लिक किया और ग्रीन फॉर्म। इस तरह से हम कलर्स को, अब जैसे कोई कलर आपको हटाने हैं ये बॉर्डर, जैसे कलर स्टॉप करने हैं ट्रैक कर रहे हैं कलर आपको रिमूव करना है, इसको सेव करना है, गैलरी में लाना है, सेव कर सकते हैं आप। जैसे चीज इसके कई फॉर्मेट्स होते हैं, इफेक्ट मतलब जब आप कलर अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट फॉर्मेट तो इसके कई फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे लीनियर होता है इसको हम करते हैं, ग्रेडियल करते हैं, कोनिकल करते हैं, रिफ्लेक्टेड करते हैं और डायमंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इस इमेज को बैकग्राउंड को हमें सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली हम मैजिक लैसो मैग्नेटिक लैसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शंस की आपको मैंने पहले ही बताया, डिलीट की से डिलीट कर लेते हैं, दूसरे साइड भी सिलेक्ट करना है हमें, तो फिर से हम मैग्नेटिक लैसो को लेकर देखिए नेक्स्ट वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं। इस सेक्शन वाले एरिया को भी हम क्या सिंपल डिलीट कर लेंगे, तो हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। अब इस पे एक नया लेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, नए लेयर पे हम क्या करेंगे, क्या आप इसी लेयर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस लेयर पे करेंगे तो ये क्या होगा, बैकग्राउंड हमारा हाइड हो जाएगा, इसलिए हम नए लेयर पे करते हैं। लेयर वन पे हमने जैसे ग्रेडियंट फॉर्मेट दिया, ग्रेडियंट में हम चाहते हैं कि कौन सा कलर अप्लाई करें, तो रिफ्लेक्टेड करना चाहते हैं, यहाँ पर सिंपल सा जो फॉर्मेट कलर का हमने बनाया वही अप्लाई करें, ये हमारा कलर बन जाए। लेयर वन पे हमने ये बैकग्राउंड कलर बना लिया है तो इमेज हमारा क्या हो गया, पीछे चला गया, तो इमेज को हमें क्या करना है, सिंपल ड्रैग करके लेयर वन के ऊपर रखना है, ड्रैग कीजिए इसमें और कभी कोई चेंजेस करने हैं आपको, जैसे डायमंड पे देखना है तो आप डायमंड कर सकते हैं, देखिए डायमंड हो गए, इस तरह से आप चाहेंगे करना कर सकते हैं आप।
तो क्या बताया हमने, लीनियर बताया आपको, तो आप लीनियर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जो मर्जी हो आप ग्रेडियंट फॉर्मेट दे सकते हो, जैसे लाइक।